आप अपनी कार बेचना चाहते थे सर, महिंद्रा बोलेरो? हाँ बेचना चाहता था मैडम, मुझे विकाई जाए गाड़ी दे जाए, अपने फॉर्च्यूनर मुंती गाड़ी दे जाए। ओके सर। हाँ सर, आपको बस अपनी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है कार 24 से। हाँ, और अपनी जो कार है उसको इंस्पेक्शन के लिए लेकर जाना है, तो आप ब्रांच जा पाएंगे सर कार लेकर? मैडम जा पाऊंगा, लेकिन कसा है काम सीधा है लॉकडाउन, हमको इधर से इस्लामपुर से वो हमारे इधर काशीगांव का एक गाँव है उधर से आगे जाने नहीं देते। ओके। वो बोलते उधर पास दिखाओ, और पास निकलता नहीं है, ऑनलाइन है पास, पास निकलता नहीं है, ऐसा विषय है मैडम। जवळपास इधर हमारे सांगली जिले में जवळपास आदमी आएगा तो हम दिखाने जाएंगे गाड़ी उसे। आप सांगली जिले में कौन सा भी कस्टमर बताओ, हम उधर तो उसके पास जाएंगे दाखिने को गाड़ी हमारी, लेकिन कैसा है अभी वो नाम जाने का बोले तो पास नहीं है हमारे पास। जी सर, तो अभी आपके एरिया में कब तक लॉकडाउन रहेगा? मैडम अभी क्या नरेंद्र मोदी को पता अभी कितने दिन वो लॉकडाउन रखेंगे हमारे इधर। ओके सर, तो सर मैं अभी चेक कर देती हूँ, अगर आपके एरिया में होम इंस्पेक्शन अवेलेबल है तो आप एरिया लोकेशन बता दीजिए। अभी वो हमारा एरिया लोकेशन मैडम वो इस्लामपुर, माहित है तुम्हारे इस्लामपुर? वो जयंत पाटिल, जयंत पाटिल आदमी है, वो पॉलिटिकल लीडर है हमारा, वो मंत्री है, उसका मतदार संघ है इस्लामपुर। इस्लामपुर सर? इस्लामपुर वो मैडम वो कारखाना है का, राजाराम बापू का पुतला भी तो है उधर, वो कारखाना है बड़ा है। इस्लामपुर वेस्ट बंगाल सर? नहीं नहीं वेस्ट बंगाल मैडम महाराष्ट्र के, हम मराठी बोलते हैं मैडम, बंगाली बंगाली की तरह बोला मैं आपसे, मराठी में बोला है अभी तक। ठीक है सर, महाराष्ट्र सर? हाँ महाराष्ट्र में जिला सांगली तालुका वाळवण वाळवे में से इस्लामपुर, बड़ा बहुत बड़ा गाँव है मैडम इस्लामपुर बहुत। ओके सर, सांगली जिला राइट सर? हाँ सांगली, सांगली जिला मैडम। माफी चाहूंगी सर, आपके एरिया में अभी होम इंस्पेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप ताराबाई पार्क में जहाँ नियरेस्ट ब्रांच है हमारी वहाँ तो कोल्हापुर में, कोल्हापुर में जा पाएंगे मैडम, लेकिन कसा है वो वारणा नदी आएगी नहीं तो वारणा नदी वाड़ी देती हमारा, हमको पूछते वो पास किधर है, मैं पास वो अभी क्या है वो कलेक्टर ने कोल्हापुर के पास भी बंद किया है, हम परसों गए थे उधर टू व्हीलर से, वो फोर व्हीलर का जान नहीं देते, इसलिए वो बोला पास नहीं तो मांग जाओ तुम इधर नहीं जा सकते, मैं बोला मेहमान है उधर हमारे मेहमान की इधर जाने का है, वो बोला नहीं नहीं मेहमान मेहमान कुछ नहीं अभी कोरोना है, बाद में वापस जाओ, वो मेरा भी काम है मैडम वो ताराबाई पार्क पे उधर ही, लेकिन वो ई पास नहीं मिल रहा मेरे को। ठीक है सर, तो कोई अंदाजा है सर कब तक लॉकडाउन रहेगा आपके इधर? अभी मैडम कैसा है वो नरेंद्र मोदी आज गए वो अयोध्या में पूजन करके दिल्ली में, वो आज जाके कुछ तो डिस्कस करेंगे, और अभी चल रहा है हमारे इधर की वो जिला बंदी उठने वाली है, मुझे वो क्या बोलते वो एक जिले से दूसरे जिले में जाने में वो अभी कुछ तकलीफ नहीं, पास भी नहीं लगेगा, ऐसा विषय है अभी। ठीक है सर, तो 15 अगस्त तक निकल जाएगी वो जिला बंदी है ना, निकल जाएगी हम उधर जा सकते, मुझे आम्ही जाऊन येऊन करेन की ना, काय अडचण येणार नाही 15 अगस्त बद्दल। ठीक है सर, कोई बात नहीं, तो आप 15 अगस्त के बाद जा पाएंगे? ठीक है सर। हाँ 15 अगस्त तक। मैडम कैसा है अभी हमको जरा हिंदी बोलने में तकलीफ होती है, आपने माणूस रखना चाहिए थे, मराठी बोलणारा माणूस ठेवायला पाहिजे होता तुम्ही, आम्हाला जरा कसं होते हिंदी आजची नाही, आजचीशी अच्छी तरह बात नहीं करेंगे सर हम। जी जी, हम मराठी में बात नहीं कर पाएंगे, अगर आप 15 अगस्त के बाद चाहते हैं सर तो 15 अगस्त के बाद आपको कॉल बैक कर ली जाएगी। ठीक है सर, 12 तारीख के बाद आपको कॉल बैक कर ली जाएगी। तुमसे कुछ लगा मैडम? जी सर, आपका कौन सा गाँव है? जी सर, मैं अमृतसर पंजाब से बात कर रही हूँ सर। हाँ पंजाब से, इसलिए आपको मराठी, इधर राजस्थान विजस्थान में जवळपास होती तो आपको भी जरा मराठी आता, अमृतसर पंजाब बहुत लांब है इसलिए आप हिंदी ही बोलेगी। जी सर, सर आपको कॉल बैक कर ली जाएगी, फिर आप कॉल बैक करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिएगा, उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है सर। चलेगा मैडम, कॉल बैक कौन करेगा? जी हमारी ओर से कॉल बैक कर ली जाएगी सर आपको, हमारे डिपार्टमेंट से। हाँ चलेगा मैडम, लेकिन वो क्या है उसको कॉल बैक वाले को बोलो, आदमी को हिंदी आजची येत नाही, उसको बोलो जरा मराठी बोलने वाला आदमी, म्हणजे मराठी चांगली त्याला जरा कॉल बॅक करायला लावा, म्हणजे कसं आहे यार तकलीफ आपको भी होती
अभी आपको निम्मा कड़िया निम्मा नहीं कड़िया ऐसा हो गया है अभी। जी जी बिल्कुल सर, माफी चाहेंगे अगर हो सका। हम माफी चाहेंगे मैडम, हमको इंडिया अच्छी नहीं आती इसलिए हम माफी चाहेंगे आप। ओके सर, तो आपको कॉल बैक कर लें सर। चलेगा चलेगा मैडम, कॉल बैक करिए, लेकिन वो कैसा है जरा मराठी बोलना माणूस बघा जरा। आणि 15 ऑगस्ट पर्यंत काही तिकडे कोल्हापूरला जानेवाली नाही, हम जानेवाली है लेकिन वो बोलते ही पाच दिखाओ पाच नाही है हमारा, वो 15 ऑगस्ट है वो जिल्हा बनी उठने वाले है, हमारे भी 2-3 काम है उधर जाके हम गाड़ी दिखा के आएंगे, आप जिधर बोलते उधर मैं गाड़ी लेके जाऊंगा और दिखा के आऊंगा। ठीक है सर, आपका नाम जान सकते हैं सर? शुभम, शुभम कुंभार नाम है मैडम। शुभम 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 एस एच यू बी एच ए एम शुभम। ओके सर शुभम। हाँ शुभम। ओके सर, वो होता ना शुभम करो की कल्याण है मुस्का शुभम। जी सर, आपको कॉल बैक कर ली जाएगी सर। चलेगा चलेगा मैडम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कॉल बैक करिए, लेकिन मानूस जरा मराठी बोलने वाला होगा तो अच्छा रहेगा, हिंदी जरा अड़कड़ अड़कड़ आती है, थोड़ी फार आती है थोड़ी फार नहीं दिक्कत होती है। ठीक है सर, फिलहाल तो आपको शायद हिंदी में ही कॉल बैक आएगी। चलेगा मैडम, कहीं तरह करेंगे एडजस्ट, थोड़ा फार मागे फुड़ो के करेंगे, कहीं तरह कुछ तो करेंगे एडजस्टमेंट, कुछ अड़चन नहीं है। चलेगा, फोन करिए मैडम, मैं ड्राइविंग करने वाला हूँ अभी, गाड़ी ड्राइव करने रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। गुड बाय मैडम। ठीक है सर, कीमती समय दिया आपने इसके लिए धन्यवाद सर। अगर आपको कभी भी कनेक्ट करना हो तो आप हमें 1800258565656 से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो।